हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड बुलेट 50 नेक्स्ट जनरेशन के मिडिल वेरिएंट स्टैंडर्ड की लोन एंड ईएमआई के बारे में कि ये वाली बाइक आप किस्तों पे कैसे ले सकते हो। तो ये मैंने इसकी किस्तें बढ़वा ली हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस के अनुसार जो है मैंने ये ईएमआई बढ़वाई हैं। तो अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कुछ आप डाउन पेमेंट कर सकते हो, क्या फिलहाल इस बाइक का जो है ऑन रोड प्राइस चल रहा है, क्या आपकी किस्तें बनेंगी, कितने साल के लिए आप मैक्सिमम फाइनेंस करा सकते हो, क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, सभी चीज़ों के बारे में इस बाइक के बारे में हम बात करेंगे। इसमें दो कलर आते हैं, एक मरून कलर आता है, एक आपका ये ब्लैक कलर आता है। स्टैंडर्ड वेरिएंट जो कि मिडिल वेरिएंट है, ड्यूल चैनल एबीएस वाला, उसके बारे में बात करें हम इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस के अनुसार सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो वीडियो मैं साथ में जोड़ देता हूँ, वहाँ पर आप देख लो, आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये देख लीजिए रॉयल इनफील्ड बुलेट 50 स्टैंडर्ड, इसका जो ऑन रोड प्राइस चल रहा है फिलहाल दिल्ली के अंदर वो चल रहा है 2,30,915 रुपये विदाउट एनी एक्सेसरीज, और डाउन पेमेंट आप जो मिनिमम कर सकते हो कर सकते हो 30,215 रुपये की। ध्यान रहे भाई, ये मिनिमम डाउन पेमेंट है, इससे कम डाउन पेमेंट आप नहीं कर सकते। इससे जितनी ज़्यादा चाहो आप डाउन पेमेंट कर सकते हो, 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख जो आपका बजट है, लेकिन इससे कम डाउन पेमेंट आप नहीं कर सकते। तो अगर आप डाउन पेमेंट करते हो 30,215 रुपये की और एक साल की किस्तें बनवाते हो तो 18,300 रुपये की आपकी 12 किस्तें बनेंगी। डेढ़ साल की अगर आप बनवाते हो तो 12,754 रुपये की आपकी 18 किस्तें बनेंगी। दो साल की अगर आप बनवाते हो तो 9,982 रुपये की आपकी 24 किस्तें बनेंगी। ढाई साल के लिए अगर आप बनवाते हो तो 8,318 रुपये की आपकी 30 किस्तें बनेंगी। तीन साल के लिए अगर आप बनवाते हो तो 7,209 रुपये की आपकी 36 किस्तें बनेंगी। साढ़े तीन साल के लिए अगर बनवाते हो तो 6,417 रुपये की आपकी 42 किस्तें बनेंगी। चार साल के लिए अगर आप बनवाते हो तो 5,823 रुपये की आपकी 48 किस्तें बनेंगी। साढ़े चार साल के लिए अगर बनवाते हो तो 5,361 रुपये की आपकी 54 किस्तें बनेंगी। और फाइनली पाँच साल के लिए अगर आप बनवाते हो तो 4,991 रुपये की आपकी 60 किस्तें बनेंगी। फाइल चार्ज जो इसमें आपका 3,800 रुपये का एक्स्ट्रा रहेगा, ये आपको डाउन पेमेंट के साथ ही देना पड़ता है। ये देना ही पड़ता है भाई, चाहे आप कितनी डाउन पेमेंट करो, चाहे आप 1 लाख करो, 1.5 लाख करो, लेकिन ये लगभग सेम ही रहता है। बैंक की तरफ से लिया जाता है प्रोसेसिंग फीस वगैरह, ये आपको देना ही पड़ता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 34,000 रुपीज़ के आसपास आपकी जो है डाउन पेमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सेकंड डाउन पेमेंट की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 55,740 रुपीज़ की। 55,740 रुपये की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो और एक साल की अगर आप किस्तें बनवाते हो तो 16,015 रुपये की आपकी जो है 12 किस्तें बनेंगी। डेढ़ साल की अगर आप बनवाते हो तो 11,157 रुपये की 18 किस्तें बनेंगी। दो साल के लिए अगर बनवाते हो तो 8,732 रुपये की आपकी 24 किस्तें बनेंगी। ढाई साल के लिए अगर बनवाते हो तो 7,276 रुपये की आपकी 30 किस्तें बनेंगी। तीन साल के लिए अगर बनवाते हो तो 6,306 रुपये की आपकी 36 किस्तें बनेंगी। साढ़े तीन साल के लिए अगर बनवाते हो तो 5,613 रुपये की आपकी 42 किस्तें बनेंगी। चार साल के लिए अगर बनवाते हो तो 5,094 रुपये की आपकी 48 किस्तें बनेंगी। साढ़े चार साल के लिए अगर बनवाते हो तो 4,689 रुपये की आपकी 54 किस्तें बनेंगी। और फाइनली पाँच साल के लिए अगर बनवाते हो तो 4,366 रुपये की आपकी 60 किस्तें बनेंगी। इसमें भी आपका फाइल चार्ज सेम ही रहेगा 3,800 रुपये के आसपास, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं थर्ड डाउन पेमेंट की, जो कि है आपकी 1,07,910 रुपये की। 1,07,910 रुपीज़ की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो और एक साल की किस्तें बनवाते हो तो 11,232 रुपये की आपकी 12 किस्तें बनेंगी। डेढ़ साल की अगर आप बनवाते हो तो 7,829 रुपये की आपकी 18 किस्तें बनेंगी। दो साल के लिए अगर बनवाते हो तो 6,127 रुपये की आपकी 24 किस्तें बनेंगी। ढाई साल के लिए अगर बनवाते हो तो 5,106 रुपये की आपकी 30 किस्तें बनेंगी। तीन साल के लिए अगर बनवाते हो तो 4,425 रुपये की आपकी 36 किस्तें बनेंगी। साढ़े तीन साल के लिए अगर बनवाते हो तो 3,939 रुपये की आपकी 42 किस्तें बनेंगी। चार साल के लिए अगर बनाते हो तो 3,574 रुपये की आपकी 48 किस्तें बनेंगी। साढ़े चार साल के लिए अगर बनाते हो तो 3,290 रुपये की आपकी 54 किस्तें बनेंगी। और फाइनली पाँच साल के लिए अगर बनाते हो तो 3,063 रुपये की आपकी जो है 60 किस्तें बनेंगी। इसमें भी आपका फाइल चार्ज जो है 3,800 रुपये के आसपास रहेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या कुछ आपको जो है भाई डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में भाई सबसे पहले आपका आपको आधार कार्ड देना होता है, आपका पैन कार्ड आपको देना होता है, दो ब्लैंक चेक लगते हैं आपके, और लास्ट 3 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल आपको देना होता है, दो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लगती हैं, ITR या सैलरी स्लिप, ये भी आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी काम चल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल या जहाँ पर भी आप रेंट पर रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट वो आपको देना होता है। इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल आपके नाम पर नहीं है तो भी काम चल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से भाई देख लीजिए, इन दोनों का भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, बहुत से भाई बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेना होता है, ठीक है। और इस तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, और आप चाहो तो इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपको बाइक कितनी महंगी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप 30,215 रुपये की डाउन पेमेंट करते हो और तीन साल के लिए बाइक किस्तों पर लेते हो तो आप 7,209 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो नंबर आएगा उसमें आप ऐड कर दो 30,215, फिर जो नंबर आएगा उस
इसमें आप ऐड कर दो 3800 रुपये। इन तीनों को फाइनली ऐड करने के बाद आपको पता चल जाएगी बाइक आपको कितने की पड़ेगी, ठीक है। और आपको निकालना महंगी कितनी पड़ी, तो उसमें से कैश का प्राइस घटा दो जो कि है 2,30,915 रुपये, तो आपको पता चल जाएगा कितनी आपको महंगी पड़ी। तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।